बिहार की राजधानी पटना में तेज रफ्तार कार ने कहर बरपाया है। रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के तहत न्यू बाईपास रोड पर तेज रफ्तार बेकाबू कार ने लोगों को रौंद दिया। हादसे के बाद बाईपास पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसा इतना भयानक था कि दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में सभी घायल लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना राजधानी पटना के रामकृष्ण नगर थाना इलाके की है। कार ने पहले चागड़ इलाके में एक स्कूटी सवार को टक्कर मारी, फिर राम लखन पथ आते आते इसी कार ने सड़क किनारे मॉर्निंग वॉक कर रहे आधा दर्जन से ज्यादा राहगीरों को कुचल दिया। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने तेज रफ्तार वाहन चला रहे दो युवकों को धर दबोचा और एक मंदिर में बंद कर जमकर पिटाई कर डाली। स्थानीय लोगों के अनुसार गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कैसे क्या हुआ बताइए भैया? देखिए गाड़ी लगा हुआ सुबह में इसम घूमने के लिए समय में निकले थे मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक में आओ देखिए चांगर पुले से वो स्कूटी वाला से ठोक दिया, उधर से ठोकते अपना चार को पहले ठोकते है सर, चारों पर कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों की मौत हुई है? तीन चार को उसमें है, मतलब सात आठ को सुन रहे हैं। अब ये को इसमें एक्सपोर्टेड हुए हैं, उसको उल्टा साफ चल रहा है। अब ये वही तो एक्सपोर्टेड सामने देख ही रहे हैं, ये गाड़ी है उसमें तीन को चार को पकड़ा के रखा है, बंद है उसमें अंदर में थाना मंदिर में बंद है। अब रोडा है, ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर खुद के भाग गया। अब तो पता हुई ड्राइवर तो बोला कि क्या घटना हुई, उधर से रफ्तार से गाड़ी आ रही थी, आने के बाद यहाँ पब्लिक प्रणाम कर रहे थे, सुबह मॉर्निंग का वॉक कर का समय था और उसी समय जो है रफ्तार गाड़ी आने के बाद वो मार कर के अपना। कितने लोग को चोट लगी? सात आदमी मौत भी हुई है। हाँ, दो आदमी का मौत हुई है, पांच आदमी घायल है गंभीर। उसके बाद आम पब्लिक जुट गए, फिर ड्राइवर को पकड़ करके फिर मंदिर में बंद कर दिया गया। आप मंदिर में जी, फिर आम पब्लिक सब यहाँ जो है। क्या नाम है? धर्मेंद्र पांडे। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। बाइट नहीं देना है, बाइट जानकारी क्या बता दी, जानकारी दीजिए क्या है, आपने इतनी अच्छा व्यवस्था की। घटना एक्सीडेंट हुआ है, एक कार वाले पांच छह आदमी को धक्का मार दिए, जिसमें दो आदमी, एक आदमी का तो स्पॉट पे ही मृत्यु हो गई, दूसरा वहाँ पीएमसीएच में मृत्यु हो गई, पांच आदमी और जख्मी हैं। चार लोगों के मरने की बात है? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, दो आदमी जो मरे, दो आदमी गाड़ी से लगी थी। क्या ये जो कार लगी हुई सामने? घायल कुल सात लोग हैं, पांच पांच घायल। हाँ, दो का मृत्यु हो गया और पांच घायल है। आपने अभी किसी को पकड़ा भी देखा निकाला? हाँ, उसका कार का ड्राइवर है। गाड़ी आ रही थी कैसे? उधर से पूरब तरफ से गाड़ी आ रही थी, अभी हम लोग उससे डिटेल नहीं लिए। जो लोग जा रहे थे पैदल से क्या? हाँ, ये लोग यहीं मंदिर के पास और यहाँ घुमटी के पास खड़े थे, उधर से आया, यहीं पे एक्सीडेंट हुआ है। सर, इतना बड़ा एक्सीडेंट का मतलब क्या लगता है कि जो ड्राइवर था शराब के नशे में था या कुछ और? अभी तो उसका ड्राइवर को तो देखे कि ना जाँच हुआ है ना कुछ, अभी भेजा गया थे, ड्राइवर से अभी हमारी बात नहीं हुई है। उनकी स्थिति क्या है? वो लोग ठीक है, पाँचों ठीक है। मरने वाले लोग लोकल हैं? हाँ, एक तो दोनों लोकल ही हैं, इतने 5-6 किलोमीटर के अंदर में है। ठीक। इस दर्दनाक घटना से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ड्राइवर समेत एक अन्य आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर जेल में भेज दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।